ये वही है चीजें, बट दिस थिंग हैज प्लेड अ रोल ऑफ कैटलिस्ट एनीवे। ये जो पांच पिलर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको अलग अलग सिक्योरिटी की जरूरत है, इनमें अगर हम कैश की बात करें तो कैश के ऊपर, रिमेंबर वी नीड टू आइडेंटिफाई एसेट्स, देन वी नीड टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स ऑन दोज एसेट्स, और जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे थ्रेट्स तो हम उसके सेफ गार्ड्स पे बात कर सकेंगे। सेफ गार्ड्स हैं कंट्रोल्स, के कंट्रोल क्या लगाने हैं। तो अगर हम कैश को एक एसेट मान लेते हैं तो फिर हमें देखना है कि थ्रेट्स क्या हैं, थेफ्ट है, डीवैल्यूएशन है, तो हम सेफ गार्ड की तरफ सोचेंगे, बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम उससे उसे प्रोटेक्ट करेंगे इन इन थ्रेट्स को। लिहाजा हर एक चीज के थ्रेट्स और सेफ गार्ड्स, थ्रेट्स और सेफ गार्ड्स सोचे जाते हैं। जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स है, लाइफ रिस्क है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है, इंश्योरेंस कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब कोई ना कोई तो प्लान कर रहा होता है ना, कोई ब्रेन तो इस सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा होता है। तो ये सब लोग जब अपने अपने ये मंतक अप्लाई करते हैं कि अगर कोई फाइनेंस का गुरु है तो वह थेफ्ट और डीवैल्यूएशन से बचने के लिए बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसके लिए क्या करें, व्हाट शुड बी डू? इस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या कोई थ्रेट नहीं है? इस इंफॉर्मेशन के लिए क्या कोई सेफ गार्ड अप्लाई नहीं करना? वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड ब्रेनस्टॉर्म कि इंफॉर्मेशन पर क्या थ्रेट्स हैं और उनका सेफ गार्ड क्या है जो हमें अप्लाई करना चाहिए। सो इफ वी गो इन दैट डायरेक्शन, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका अब बहुत बड़ा रोल है हमारी बिजनेसेस को रन करने में। हमारे आज के सब बिजनेस ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इंटरेक्टिव फंक्शन है, जिसके अंदर लोग, एल्गोरिथमिक प्रोसेसेस, डेटा और टेक्नोलॉजी, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और इस इंटरेक्शन का फायदा क्या होता है? फायदा होता है डिसीजन मेकिंग। यानी अगर मैं एक ऐसा एल्गो बना लूं जो कि मुझे इन तमाम चीजों की बर वक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो उसकी बेस के ऊपर मैं राइट टाइम पर डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई कैश इज डिप्लीटिंग आई कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, इफ माई मटीरियल इज डिप्लीटिंग आई कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर बेसिकली एन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, एल्गोरिथमिक प्रोसेसेस, डेटा एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो थ्रेट्स आएंगे उनमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ गए, वो भी शामिल है। आपके प्रोसेस बजाते खुद इन पर भी थ्रेट आ सकते हैं, आपके डेटा पर थ्रेट है और टेक्नोलॉजी पर थ्रेट आ सकता है। और ये तो वाइटल है आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बिकॉज दे वांट टू मेक राइट इन टाइम डिसीजंस। इसकी मिसाल ये भी है कि आपके सामने है बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, इन तमाम कारफोर वगैरह, इन सब के अंदर बहुत मेगा स्केल के ऊपर स्टॉक कीपिंग भी हो रही है, इन्वेंट्री इन भी हो रही है, और इन्वेंट्री बड़े मेगा स्केल पर आउट भी हो रही है हर स्टोर में। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है कि अब हमारे पास एक्स वाई जी रैक के अंदर फलां प्रोडक्ट खत्म हो रही है, ये भी बर वक्त किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ही पकड़ना है, और उसका ऑर्डर किस बेस्ट प्राइस के ऊपर वेंडर ने सर्व करना है उसका डिसीजन भी सिस्टम ने करना है, और ये सब ऑटोमेटेड होना चाहिए। तो उसका फायदा क्या होगा कि हमारे स्टोर में इतने बड़े स्केल के ऊपर अगर कहीं कोई कॉर्नर में चीज खत्म हो रही है तो सिस्टम खुद ही डिटेक्ट करेगा और उसको इन्फॉर्म कर देगा, और उसके लिए ऑर्डर सर्व करने के लिए उसके सप्लायर आ जाएंगे। ये सब चीज इंफॉर्मेशन सिस्टम का फायदा है डिसीजन मेकिंग बर वक्त। अब इसमें
अगेन हमें देखना है आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द थ्रेट्स एंड रिस्क ऑफ पीपल नो आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट द एल्गोरिथमिक प्रोसेस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम नो बट येस वी नीड टू टॉक अबाउट डेटा एंड टेक्नोलॉजी डेटा इज समथिंग विच विल मूव बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्लेज वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है ही टेक्नोलॉजी का ये जो एक क्लिक के ऊपर या एक स्वैप के ऊपर आप जैसे ही आप स्क्रीन को स्वाइप करते हैं आपकी ऐप अपलोड अपडेट होती है और आपके पास सिस्टम से नया डेटा पुल हो जाता है और आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको अपने स्टोर का तमाम स्टॉक स्टेटस पता चल जाता है ये सब कुछ अब एक स्वाइप के ऊपर किस तरह हो जाता है ये सब का सब पीछे टेक्नोलॉजी की वजह से इतना क्विकली होता है तो टेक्नोलॉजी का डिसीजन मेकिंग में बिजनेस प्रोसेस डिसीजन मेकिंग में टाइम को श्रिंक करने में बहुत बड़ा रोल है और टेक्नोलॉजी प्लेज वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अब टेक्नोलॉजी क्या है व्हाट इज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं दे यूज सॉफ्टवेयर वेरियस टाइप्स ऑफ ओएसएस डेटाबेसेस एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल्स एंड हार्डवेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर क्लब टुगेदर टू फॉर्म एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अब जो टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टुगेदर इस टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ तरह के जो नॉन मार्केट नेम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह सॉफ्टवेयर में भी है माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स सोलारिस वेरियस टाइप्स ऑफ वीएमवेयर हाइपरवाइजर्स इन ओएस कैटेगरी वी हैव डेटाबेसेस ओरेकल एटसेट्रा एप्लीकेशंस हम स्टैंडर्ड परचेज कर लेते हैं या हम कस्टमाइज बनवा लेते हैं प्रोटोकॉल्स में HTTP, FTP, DNS, TCP, UDP, IPv4, IPv6 दीज आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर में वी यूज कंप्यूटर्स वी यूज नेटवर्क कंपोनेंट्स राउटर्स स्विचेस नाउ IoT सेंसर्स एटसेट्रा ये सब मिलकर टेक्नोलॉजी कहलाते हैं और टेक्नोलॉजी का बड़ा कलीदी रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम में टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अब जो हम थ्रेट्स डिस्कस करने लगे हैं रिमेंबर हम इस वक्त थ्रेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरफ आए हैं हमने ये चीज अंडरस्टैंड की है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 पिलर्स हैं मेन मशीनरी मटेरियल्स मनी एंड इंफॉर्मेशन तो इन सब में से हमारा जो ताल्लुक है वो इंफॉर्मेशन के साथ था इंफॉर्मेशन आजकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जरिए पुल की जाती है इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपल प्रोसेसेस एल्गोरिथमिक प्रोसेसेस डेटा एंड टेक्नोलॉजी का आपस में एक इंटरेक्शन का नाम है फायदा ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको टाइमली डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है टाइमली डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कर पाता है टेक्नोलॉजी की मदद से टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है और उसकी मुख्तलिफ जो नेम्स हैं प्रैक्टिकल नेम्स हैं वो हमारे सामने हैं इस वक्त अब हमें ये देखना है कि हम जो कि सिक्योरिटी मैनेजर्स के लिए हायर किए गए थे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि वी आर गिवन अ चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारी ड्यूटीज इस टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने की होती हैं वी नीड टू सिक्योर दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज वी आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड एंड वी आर बींग हायर्ड एज IT सिक्योरिटी मैनेजर्स सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सिक्योर दिस टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी पे क्या थ्रेट्स आते हैं वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द थ्रेट्स विच आर पॉसिबल ऑन दिस टेक्नोलॉजी थ्रेट्स आपके सामने लिखे हुए अनऑथराइज्ड एक्सेस अनऑथराइज्ड यूज बगैर पूछे किसी चीज को एक्सेस करना और उसको इस्तेमाल करना ये एक खदशा है जो हमें लाहक है और हमारी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जो हमने मेंशन की हैं यहाँ इन सबको ये खदशा है
कि कोई इनको अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर लेगा, इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, दिस इज अ रिस्क